चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो भीलवाड़ा जिले से आ रही है, जहां पर तिलस्वा महादेवी मंदिर पर आज सावन मास की समाप्ति के उपलक्ष्य में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो दिखाते हैं इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी तिलस्वा महादेव मंदिर पर पूरी सावन के महीने में क्षेत्र सहित अलग अलग राज्यों से लाखों भक्तगण श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनचाही मुराद पाते हैं। महादेव के भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए जाते हैं। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव मांगीलाल धाकड़ ने बताया कि देश में सुख शांति अमन चैन बना रहे, फसलें लहलहाती रहें और भूमि में खनिज संपदा पर्याप्त रहे, क्षेत्रीय व प्रांतीय सुख समृद्धि व आपसी भाईचारे की भावना बनी रहे, देश में किसी भी प्रकार की कोई प्रकृति प्रकोप न हो, इन सभी भावनाओं के निराकरण हेतु महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा भिन्न भिन्न गोत्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मंदिर ट्रस्ट के सानिध्य में पूजा पाठ अभिषेक सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रुद्राभिषेक व महामृत्युंजय का जाप भी किया गया व हवन पूर्णाहुति कर क्षेत्रवासियों के अंदर महाप्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद्र अहीर, महासचिव मांगीलाल धाकड़, ओंकार लाल धाकड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।